अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ ऐसा फेस पैक जो आपको और भी फेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये है मसूर की दाल। ये मसूर की दाल मैंने इसको लगभग हाफ हाफ कप लिया है। ये मसूर की दाल हाफ कप को मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको बारीक पीस ली है। ये मैं ऑलरेडी पीसी पीसी हुई हूँ। ये देखिए आप, बिल्कुल बारीक पीसी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। मैं इसे 2 टीस्पून लगभग ले रही हूँ। ये 2 टीस्पून हो गया, 2 टीस्पून ये। हाँ, उसके बाद से मैं इसमें रॉ मिल्क, ये रॉ मिल्क है, इस रॉ मिल्क को मैं अपने अकॉर्डिंग डालूँगी, कितना मुझे कैसा पेस्ट चाहिए मुझे। इसमें और कुछ नहीं ऐड करना, बाकी कुछ भी ऐड नहीं करना, बस आपको रॉ मिल्क और मसूर की दाल की पाउडर, बस ये हो गया। ये करके अब इसे आप लगभग 5 या 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ दें, ताकि ये दाल अच्छे अच्छे से रॉ मिल्क को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर। 10 मिनट के बाद आपका फेस पैक रेडी हो गया है। अब इसे अप्लाई कर लें। हमेशा अप्लाई अपने क्लीन स्किन में करें। ओके, पहले स्किन को क्लीन कर लें, उसके बाद से अप्लाई करें। जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखलाती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसे तब तक छोड़ दे जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए। तो फिर हम मिलते हैं, इसे ड्राई करने के बाद आपको मैं दिखलाती हूँ। तो ये देखें, ये मेरे 15 मिनट में मेरा स्किन, ये फेस पैक पूरी तरीके से ड्राई हो गई है। देखें, पूरी तरीके से ड्राई हो गई है। और इसे कभी जब भी वॉश करें आप, तो इसे सर्कुलर मोशन में ही वॉश करें इसको, सर्कुलर। ये देखें, ये वॉश करने के बाद डिफरेंट, ये रहा डिफरेंट दोनों हाथों में। ये बहुत ही अच्छा, ये बेन इस फेस पैक को लगाने से हमारा स्किन बहुत जल्दी ग्लो करने लगता है और हम फेयर दिखने लगते हैं, और हमारा स्किन क्लीन और फेयर दिखना शुरू हो जाता है। तो होम मेड रेमेडी बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। आप इसका जो पाउडर है जो मैंने पीस के रखा है, वो स्टोर भी करके रख सकते हैं अपने फ्रिज में, 1 मंथ तक भी चल जाता है अगर फ्रिज में रखा जाए और एयर टाइट कंटेनर में रखा जाए। तो इसको यूज करना भी बहुत ही इजी है और स्टोर करना भी बहुत इजी है। और जब ये हम अप्लाई करते हैं, इससे हमारी स्किन में जो दाग धब्बे आ जाते हैं वो भी बहुत आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये लास्ट देख लें।